थायराइड हार्मोन और डिप्रेशन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति रोग महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 45 साल की लेडी मेरे पास में आई, लेके आए थे उसको, और उसका उसके हस्बैंड का और उसका कहना था कि वो बहुत चिड़चिड़ापन है, कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी भूल जाती है, कभी ऐसा अटेंशन नहीं रहता उसका, अटेंटिव नहीं रहती, कभी चिढ़ जाना, मतलब इरिटेबल रहना, चिढ़ जाना, और थोड़ा मूड डिप्रेस रहता है, डाउन रहता है मूड, और खाना खाने की कभी इच्छा होती है, नहीं होती है। तो ये जब देखा तो यूजुअली नेचुरली डॉक्टर के पास में जब गए तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये डिप्रेशन है और डिप्रेशन के लिए दवा चालू थी। जब उनको मैंने पूछा भाई पिछले 2 साल से हम दवाई ले रहे हैं और उसमें कुछ भी फर्क नहीं हमको दिख रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हमने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, उसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लो, जो अभी तक किसने किया नहीं था। थायराइड फंक्शन टेस्ट करने के बाद में उसमें TSH लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखे और थायराइड हार्मोन जो है वो कम मात्रा में दिखा ब्लड में। तो उसका डायग्नोसिस एकदम क्लियर हो गया कि वो मिक्सिडिमा है या हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉमनली वो साइकोलॉजिकल सिम्टम बताता है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब ये थायराइड ग्रंथि जो है गले में रहती है। होता क्या है कि कब लोग कुछ लोगों में वो थायराइड सिक्रीशन जो है वो कम होता है। तो थायराइड सिक्रीशन है बहुत जरूरी है अपना अपना मेटाबॉलिक फंक्शन सब ठीक चलने के लिए। और जब वो थायराइड लेवल जब थायराइड हार्मोन की लेवल जब कम हो जाती है तो पूरा मेटाबॉलिज्म के ऊपर उसका असर होता है और फिर अलग अलग सिम्टम दिखना चालू होते हैं, बॉडीली सिम्टम्स या फिर मानसिक सिम्टम्स। बॉडीली सिम्टम में हाथ पैर में अंगार होना, स्किन जरा रफ हो जाना, लाली आना स्किन के ऊपर, किसको डायरिया हो जाता है, और किसको मानसिक लक्षण मतलब डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज कभी आ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, भूल जाते हैं, ख्याल नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन है, और कभी कभी रोना आता है। इसके साथ साथ उसको कभी कभी कान में आवाज आना या कुछ लोग दिखना या ऐसे विचारों का भ्रम भी हो सकता है, जिसके वजह से उसको बोलते हैं मिक्सिडिमा मैडनेस, मतलब मैडनेस कभी कभी आ सकता है। अब ये जो है इसका इलाज बहुत ही आसान है, वो सिंपल है कि उसको थायराइड की गोली देना पड़ता है। और थायराइड की गोली दे दिया, जैसे ही थायराइड हार्मोन जो है वो लेवल ब्लड में आ गई तो सिम्टम रिकवर होना शुरू हो जाता है। ये जो लेडी थी उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया था, मैंने बोला पूरे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे 2 साल से डिप्रेशन क्यों है। जैसे उसको थायराइड हार्मोन का लेवल कम दिखा तो ट्रीटमेंट चालू किया, 5-7 दिन में उसको फायदा दिखने लगा और उसका डिप्रेशन धीरे 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 कम होने, उसके साथ साथ हमने उसको एंटी डिप्रेशन भी दवा दिया जिससे भी उसका डिप्रेशन ठीक हो गया। थायराइड हार्मोन कभी कभी हमको थायराइड हार्मोन की दवाई हमें देना पड़ता है, कभी कभी जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन होते हैं मतलब जिनको डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है उनको भी हम थायराइड हार्मोन का जो गोली है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन ठीक होता है। होता क्या है कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट है, सब तरह की दवाई देने के बाद में भी उसका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, थायराइड हार्मोन ऐड करो एड ऑन और वो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। उनका थायराइड हार्मोन लेवल ठीक रहता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक रहता है, मगर तभी भी जब उसको एड ऑन डोज देते हैं थायराइड का तो वो ठीक हो जाता है। तो ये थायराइड हार्मोन बहुत ही जरूरी ग्रंथि है गले की, और उसका फंक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। और कुछ प्रॉब्लम होता है जब कोई समझ में नहीं आता कि भाई क्या प्रॉब्लम है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, थायराइड टेस्ट कर लो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।